हेलो फ्रेंड, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके। कैसी पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही है ना? ओके। चैप्टर नंबर 1। बहुत बहुत ही अच्छा चैप्टर बच्चे का, और मजा आ जाए ऐसा चैप्टर है। अब ये चैप्टर के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर सिर्फ दो ही क्वेश्चन देखे थे। लास्ट वीडियो में सिर्फ टू क्वेश्चन थे। आज हम और क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 2 MCQ है, यानी कि एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू x² + 2, वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड ए कर्व बाय द कर्व y इज इक्वल टू x² + 2। कौन सा कर्व है बच्चे लोग? y इज इक्वल टू x² + 2 एंड सेकंड कर्व y इज इक्वल टू x। दिस इज द रिजल्ट नंबर 1 एंड दिस इज द रिजल्ट नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा और इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करूंगा, यानी कि बाय रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 कंपेयर टू कर्व वाई इज इक्वल टू x² + 2। देयरफॉर x² - x + 2 इज इक्वल टू 0। x² - x + 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन आप सोचिए। आप इसके फैक्टराइजेशन सोचेंगे तो x² - x + 2 यानी कि मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए और एडिशन 1 होना चाहिए। मल्टीप्लाई 2 एंड एडिशन 1 है, ऐसे कोई दो नंबर आपके पास? अच्छे लोग, आपके पॉकेट के अंदर ऐसे कोई दो नंबर है कि जिसका मल्टीप्लाई 2 होता है और एडिशन 1 होता है? नहीं है, सोचो, नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डी फाइंड करेंगे। तो डी इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डी डिफरेंशियल, डी इज इक्वल टू b² - 4ac, एक्स का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, ए दैट इज 1, सी दैट इज 2, 1 - 8 यानी -7। -7 इज लेस देन 0। देयरफॉर दिस सॉल्यूशन हैज नो रियल रूट, नो रियल सॉल्यूशन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन का आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। इट्स इक्वेशन हैज नो, इट्स इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिलता तो है लेकिन रियल नहीं होगा, बराबर। तो यानी कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्शन नहीं करते, यानी कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन मुझे इन दोनों का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। जब तक डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा वहां तक मुझे नहीं मालूम पड़ेगा। ओके, तो चलो अब ये कर्व, फर्स्ट कर्व वाई इज इक्वल टू x² + 2। अब इसका डायग्राम कैसा हो सकता है सोचो आप। पहले तो आप सोचो कि ये जो कर्व होगा वो किस टाइप का कर्व हो सकता है, ये जो कर्व है वो किस टाइप का कर्व हो सकता है।
पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, सर्कल है कि लाइन है। तो मैं बता देता हूँ बच्चे लोग, ये पैराबोला है, क्योंकि y और x इन दोनों में से किसी एक के पर स्क्वायर होता है तो वो पैराबोला होता है, यानी कि ये इक्वेशन पैराबोला का है। इट इज अ क्लियर, दिस इक्वेशन इज अ पैराबोला। अब अपने को आएगा भाई ये कैसा पैराबोला, सर आपने तो मुझे ऐसा पैराबोला सिखाया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी कि पैराबोला होता है वो इस टाइप का हो सकता है, या तो x की नेगेटिव साइड में आ सकता है, या तो y की पॉजिटिव साइड, या तो y की नेगेटिव साइड में हो सकता है। तो ये कौन सा पैराबोला है, तो भाई ये पैराबोला आपको डिसाइड करने के लिए आपको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखना पड़ेगा। मैंने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखाया था चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर मैंने बात की थी आपसे, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, या तो y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस एच। क्लियर, ओके, यानी दो पैराबोला। अब आपको इन दोनों में से ये कौन सा पैराबोला है वो आपको डिसाइड करना है। तो इस तरह से मैं डिसाइड करूंगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस टू, x स्क्वायर दैट इज वी कैन राइट y माइनस जीरो का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं हम, और इज इक्वल टू y माइनस टू। अब ये इक्वेशन को आप ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, इसकी तुलना करेंगे, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर 4a y माइनस के, यानी कि hk इज इक्वल टू, यानी कि hk इज इक्वल टू 0 2 हुआ, hk इज इक्वल टू 0 2 हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ कि ओरिजन पॉइंट 0 0, ओरिजन पॉइंट 0 0, ये ओरिजन पॉइंट 0 0 उसने शिफ्ट हो गया, वो क्या हो गया, शिफ्टिंग हुई उसकी। कहां पे शिफ्टिंग होती है, 0 2, यानी कि y एक्स पे उसकी शिफ्टिंग हो गई, यानी कि इस तरह से शिफ्टिंग हो गई, इट इज अ 0 2, इट इज अ y एक्सिस, दिस इज अ x एक्सिस x डैश, एंड दिस इज अ y डैश। अब शिफ्टिंग हो गई, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको पैराबोला, यानी कि आपको पैराबोला या तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, 0 2 में से पास हो सकता है, या तो इस तरह से ये 0 2, यानी कि पैराबोला वाई की नेगेटिव साइड में या पॉजिटिव साइड में जा सकता है, या तो नेगेटिव साइड में, यानी पैराबोला इस नीचे की ओर खुल रहा है या तो ऊपर की ओर ओपन होगा। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई मुझे पैराबोला कैसा ड्रॉ करना है, इस टाइप का ड्रॉ करना है कि ये टाइप का, आपको मालूम कैसे पड़ेगा। तो इसके लिए आपको y इज इक्वल टू 0 सपोज कर दो, y इज इक्वल टू 0 सपोज कर दो, तो y इज इक्वल टू 0 सपोज करेंगे, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, therefore x square is equal to minus 2, x square is equal to minus 2, it is not possible, यानी कि ये जो पैराबोला है वो x अक्ष पे इंटरसेक्शन नहीं करता है, x अक्ष पे इंटरसेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि x अक्ष पे इंटरसेक्शन करे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट मैंने 0 सपोज किया तो उसके अकॉर्डिंग मुझे x कोऑर्डिनेट मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिलता है, यानी कि ये पैराबोला ऊपर की ओर खुल रहा है, कहां पे ओपन होता है, ऊपर की ओर। ये सब बातें आपको सम के अंदर बताने की नहीं होती है, सिर्फ आपको समझना है।
यानी कि अब मैं पैराबोला इस तरह से ड्रॉ करूंगा, ये पैराबोला, ओके, पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये सम का सबसे मोस्ट 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 आईएफपी टॉपिक ये था कि पैराबोला ऐसे क्यों ड्रॉ किया, क्लियर। यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू पैराबोला ही है, लेकिन ये पैराबोला ने ओरिजिन से शिफ्ट हुआ है, ऊपर की ओर शिफ्टिंग की है उसने, और शिफ्टिंग का कहां पे की है उसने, 0.2। यानी कि आपको इस तरह से ये फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा, ये जो फॉर्म होता है ये फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, क्लियर। ये बहुत मोस्ट मोस्ट आईएमपी चीज थी, बाकी तो इजी है। अब दूसरा y इज इक्वल टू x, दैट इज द लाइन, वो लाइन कहां से नहीं पास होगी, ओरिजिन में से, ये y इज इक्वल टू x, क्लियर। तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस टू, एंड सेकंड लाइन, सेकंड कर्व इज द लाइन y इज इक्वल टू x, एंड और क्वेश्चन में क्या लिया है बच्चे लोग, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0 दैट इज अ y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 दैट इज अ y एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू 3, इस तरह से होगा, ये x इज इक्वल टू 3, क्लियर, ये x इज इक्वल टू 0 एंड ये x इज इक्वल टू 3, इन सभी से बनने वाला बाउंडेड एरिया, इससे बनने वाला बाउंडेड एरिया, देखो ये हुआ बच्चे लोग, ये हुआ ना एरिया, इतना एरिया हुआ, ये बाउंडेड एरिया हुआ इतना, तो आपको ये एरिया फाइंड करना है, क्लियर, ओके ओके। चलो बच्चे लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल लॉजिक है, ये कर्व कौन सा, ये इसका एक्स अक्ष पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं, यानी कि dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन, तो 0 से 3 का इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 3 y dx, इज इक्वल टू 0 टू 3 y, दैट इज अ x square plus 2 dx, अब x square का डेरिव इंटीग्रेशन x cube upon 3, 2 का इंटीग्रेशन 2x, और 0 टू 3, अब अपर लिमिट पुट करते तो 3 का क्यूब 27 अपॉन 3 यानी कि 9, 3 टू 6 माइनस 0 0, दैट इज द 15। यानी कि पैराबोला से एक्स अक्ष पे बनने वाला एरिया, इतना एरिया कितना हुआ, 15, लेकिन आपको तो इतना ही निकालना है सिर्फ, तो इसके लिए नीचे का ये जो राइट ट्रायंगल है उसको आपको सब्ट्रैक करना पड़ेगा, तो ये राइट ट्रायंगल ओ, कुछ नाम दे देते बच्चे को, ए, ये बी और ये ओ, तो मैं ये राइट ट्रायंगल, ये 30 होगा और ये कितना होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो वाई कोऑर्डिनेट भी 3 होगा, यानी कि मैं अब इसका राइट ट्रायंगल उसका एरिया निकाल देता हूँ, राइट ट्रायंगल ए बी ओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 1/2 बेस ओ बी और एल्टीट्यूड ए बी, तो 1/2 OB is a 3 and AB is also 3,
तो 3 3 9 9 अपॉन 2 यानी कि 15 माइनस 9 अपॉन 2 आएगा, क्योंकि आपको जो एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग, पैराबोला में से इलिप्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके थस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 15 माइनस 92, 30 माइनस 9 अपॉन 2 दैट इज 21 अपॉन 2। तो सम बहुत ही इजी था भाई, बट ये सिर्फ ये दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि भाई इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता है, क्योंकि ये पैराबोला इस तरह की ओर जाता है और लाइन इस तरह से जाती है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं मिलता है, बराबर, यानी कि कहाँ पे ये प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये दोनों लाइन यानी कि दोनों कर्व कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करते है, इसका मीनिंग ये होता है। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों। ये दोनों जो क्वेश्चन है उसमें ट्रायंगल बनाना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर A point given that minus 10, second point B of 13, C of 32. Okay, A, B and C, ये three vertices है, ये vertices triangle ABC के है। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है, लेकिन ये एरिया इंटीग्रेशन की मेथड से करना है बच्चे लोग, वरना तो आप तो बहुत होशियार हो, ट्रायंगल का तो एरिया आप कोई भी फॉर्मूला से निकाल सको, बराबर कि नहीं, आपके पास दो तीन फॉर्मूला है, किसी का भी यूज करके आप ट्रायंगल का तो एरिया निकाल सकते हो, लेकिन आपको इंटीग्रेशन का यूज करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको ट्रायंगल तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना भाई, ये ट्रायंगल की ऐसे वैसे भी ड्रॉ नहीं करूंगा, पर्टिकुलर प्लेन यानी पर्टिकुलर फिगर बना के मुझे ये ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी पर्टिकुलरली थोड़ा ध्यान रख के, दिस इज अ एक्स अक्ष, दिस इज अ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये जीरो ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पे 1 2 3 4, हियर ऑल्सो -1 -2 -3 -4 -5, ऑन वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली -1 -2 -3 -4, क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट ए ऑफ -10, फर्स्ट पॉइंट ए ऑफ -10 यानी -10 पॉइंट इस साइड आएगा, यानी कि मैं सपोज कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा ध्यान रख के करेंगे, क्योंकि अपने को तो कई ग्राफ पेपर तो देने वाले नहीं है वो लोग। सपोज यहां पे मैं बता देता हूं ए पॉइंट, ओके, अब बी पॉइंट, अब बी पॉइंट 13, तो सपोज इधर 1 और 3 सपोज यहां पे है, यानी कि ये बी पॉइंट 13, उसके बाद 32, तो यहां पे 3 और यहां पे 2, ऐसा में अप्रोक्सीमेटली मैं बता देता हूं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के ये पॉइंट रखना है आपको। ओके
and it is a minus 10. क्लियर? अब इससे बनने वाला ट्राइंगल, ये लाइन सेगमेंट ए बी, ये लाइन सेगमेंट बी सी एंड ये लाइन सेगमेंट ए सी। तो ये ट्राइंगल ए बी सी का एरिया आपको इंट्रीगेशन की मेथड से फाइंड करना है। कैसे? इंट्रीगेशन से। ओके, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको पहले सभी लाइन का इक्वेशन होना आवश्यक है, यानी कि आपको पहले लाइन एबी से बनने वाला एरिया निकालेंगे, लाइन बीसी से बनने वाला एरिया निकालेंगे और इन दोनों का एडिशन करके उसमें से लाइन एसी का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, यानी कि फर्स्ट वी फाइंड लाइन ए बी। तो लाइन ए बी से मैं एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यहां पे मुझे 1 मिलेगा, यानी कि लाइन ए बी से एक्स अक्ष पे बनने वाला एरिया, ए बी से एक्स अक्ष पे बनने वाला एरिया निकालूंगा। उसके बाद लाइन बी सी यानी कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये 3 आएगा, यानी 1 से 3 का लाइन बी सी का एरिया मिलेगा और इन दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे ये पूरा एरिया इतना मिलेगा। उसमें से मैं लाइन ए सी का एरिया, लाइन ए सी से बनने वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्लियर? तो मुझे ट्रायंगल एबीसी का एरिया मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आती है कि नहीं आती मेरी बातें बच्चे लोग? क्या नहीं समझ में आती है? तो फर्स्ट वी फाइंड द लाइन ए बी। पहले तो मुझे लाइन ए बी का इक्वेशन तो मालूम होना चाहिए, तो मुझे लाइन ए बी का इक्वेशन पहले फाइंड करूंगा। तो क्या होगा लाइन ए बी का इक्वेशन? तो उसका इक्वेशन निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं, तो एक्स माइनस एक्स वन, ये एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू, तो एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, वाई माइनस जीरो अपॉन थ्री माइनस जीरो। देयरफॉर एक्स प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई अपॉन थ्री, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू थ्री बाई टू इंटू एक्स प्लस वन। ये लाइन ए बी का इक्वेशन। अब लाइन ए बी से बनने वाला एरिया फाइंड करूंगा, लाइन ए बी से बनने वाला एरिया। तो I1 इज इक्वल टू माइनस वन से वन का इंटीग्रेशन, माइनस वन से वन का इंटीग्रेशन y dx। तो माइनस वन से वन, y इज इक्वल टू थ्री बाई टू इंटू एक्स प्लस वन, थ्री बाई टू उसको मैं बाहर रख देता हूं, x प्लस वन dx। तो थ्री बाई टू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई टू, वन का इंटीग्रेशन x और माइनस वन से वन। अब अपर लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट वन पुट कर देता हूं, थ्री बाई टू वन पुट करूंगा तो वन बाई टू प्लस वन, माइनस लोअर लिमिट वन बाई टू माइनस वन, therefore 3 by 2 into 1 by 2 plus 1 3 by 2 plus 1 by 2 हो जाएगा, यानी कि 4 upon 2 यानी कि 2 is equal to 3। clear? तो ये line AB से बनने वाला एरिया आया,
यानी कितना एरिया मिला मालूम पड़ा आपको, ये इतना, कितना एरिया मिला इतना, क्लियर। अब लाइन बीसी की बात करते हैं, अब लाइन बीसी, तो मुझे लाइन बीसी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो लाइन बीसी का इक्वेशन निकालने के लिए यही फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स वन यानी कि वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, क्लियर। अब इसका सिंप्लीफाई, एक्स माइनस वन अपॉन टू वाई माइनस थ्री अपॉन माइनस वन। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू वाई माइनस सिक्स, देयरफॉर टू वाई इज इक्वल टू सेवन माइनस एक्स, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू वन बाय टू इंटू सेवन माइनस एक्स, क्लियर। अब इंटीग्रेशन वन टू थ्री, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन टू थ्री वाई डी एक्स, वाई इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू सेवन माइनस एक्स, इंटीग्रेशन वन थ्री से वन टू थ्री सेवन माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ मैं, सेवन का इंटीग्रेशन सेवन एक्स होगा और इसका एक्स स्क्वायर बाय टू वन टू थ्री। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वन बाई टू थ्री पुट करूंगा तो ट्वेंटी वन माइनस नाइन अपॉन टू, माइनस लोअर लिमिट सेवन वन जा सेवन माइनस वन बाई टू, तो वन बाई टू इंटू ट्वेंटी वन टू जा फोर्टी टू, फोर्टी टू माइनस नाइन्टी नाइन, फोर्टी टू माइनस नाइन थर्टी थ्री, थर्टी थ्री अपॉन टू माइनस सेवन टू जा फोर्टीन, दैट इज थर्टीन अपॉन टू इज इक्वल टू वन बाय टू थर्टीन, ट्वेंटी अपॉन टू यानी टेन, दैट इज अ फाइनल आंसर इज फाइव। ये कौन सा एरिया मिला बच्चे लोग, ये बीसी से, ये लाइन बीसी दिखाई देते ना आपको, ये लाइन बीसी से बनने वाला इतना एरिया मिला मुझे, लाइन बीसी से बनने वाला एरिया, क्लियर। अब लाइन एसी का, तो मैं अब लाइन एसी, अब लाइन एसी का फॉर्मूला यही, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन इज इक्वल टू y माइनस जीरो अपॉन टू माइनस जीरो, देयरफॉर x प्लस वन अपॉन फोर इज इक्वल टू टू y अपॉन टू, यानी कि y इज इक्वल टू वन बाय टू इंटू एक्स प्लस वन, क्लियर। वाई इज इक्वल टू वन बाय टू इंटू एक्स प्लस वन। अब इंटीग्रेशन माइनस वन टू थ्री, माइनस वन टू थ्री, आई इज इक्वल टू माइनस वन टू थ्री वाई डी एक्स, यानी माइनस वन टू थ्री वन बाय टू इंटू एक्स प्लस वन, वन बाई टू इंटू एक्स प्लस वन, वन बाई टू एज इट इज, एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू, वन का एक्स माइनस वन टू थ्री, अब वन बाई टू थ्री यानी नाइन बाई टू प्लस थ्री, माइनस लोअर लिमिट वन बाई टू माइनस वन, देयरफॉर वन बाई टू थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस नाइन सिक्स फिफ्टीन, फिफ्टीन अपॉन टू माइनस वन बाई टू
प्लस वन बाय टू यानी कि 16 अपॉन टू एट यहाँ अपॉन में टू यानी कि 4। क्लियर। तो ये लाइन एसी से बनने वाला एरिया, अब इन दोनों का एडिशन करके एसी का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे इतना ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। क्लियर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एबी से बनने वाला एरिया यानी आई वन था, आई वन की वैल्यू कितनी थी 3 यानी मोड ऑफ आई वन प्लस मोड ऑफ आई टू माइनस मोड ऑफ आई थ्री। मैं इसको आई टू कह देता हूं और इसको आई थ्री। क्लियर। तो ए बी से बनने वाला एरिया 3 है यूनिट, बी सी से बनने वाला एरिया 5 यूनिट और ए सी से बनने वाला एरिया 4 यूनिट। 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 4 दैट इज 4। यानी कि ये ट्रायंगल का एरिया कितना मिला आपको 4 यूनिट मिला। क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आप सोचते हैं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो क्या 4 मार्क का हो सकता है या 5 मार्क का हो सकता है? मैं बोलता हूं कि नहीं बच्चे लोग, ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क का या 3 मार्क का हो सकता है, सिर्फ 2 मार्क या तो 3 मार्क का हो सकता है, इससे आगे नहीं हो सकता है। तो यार मालूम पड़ा आपको? देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, ये क्वेश्चन की पॉइंट है ना, जो पॉइंट ए बी और सी उसको पहले अच्छी तरह से ड्रॉ करना है, यानी कि प्लेन है पूरा जो अपना ये जो प्लेन है कोऑर्डिनेट जो प्लेन है उसके अंदर बता देने का है। उसके बाद लाइन एबी का इक्वेशन यानी कि ये एबी, एबी से बनने वाला एरिया, उसके बाद बीसी से बनने वाला एरिया, इन दोनों का एडिशन करके एसी में से बनने वाला एरिया माइनस करना है। क्लियर। तो आपको ट्रायंगल एबीसी का एरिया मिलेगा। यानी कि आप एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यही टाइप का है थोड़ा सा। अब आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 उसके अंदर यही मेथड का है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रीजन हुज साइड्स हैव आर इक्वेशंस इक्वेशन गिवन दैट लाइन एल वन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1, सेकंड लाइन वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड थर्ड लाइन x इज इक्वल टू 4। क्लियर। तो आपको ये जो 3 लाइन है उससे बनने वाला बाउंडेड एरिया यानी कि ये 3 लाइन से ट्रायंगल बनेगा, ये 3 लाइन से क्या बनने वाला है ट्रायंगल। तो आपको ये L1, L2, L3 पहले तो हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन ड्रॉ करने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। हमने क्वेश्चन नंबर 4 अभी सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वर्टाइसिस दिया था, ट्रायंगल के क्या दिए थे वर्टाइसिस दिया था इस तरह से, बच्चे लोग इस तरह का ट्रायंगल था, ये ए पॉइंट था यहाँ पे, ये बी था और ये सी था, यानी ए बी सी वर्टाइसिस दिए थे, ये तक नहीं दिए थे, और उसके पर से हमने इस तरह से था, तो लाइन ए बी का एरिया निकाला इस तरह से, इसका इंटीग्रेशन करके, उसके बाद बी सी का इंटीग्रेशन किया,
तो मुझे ये एरिया मिला, उसमें से एसी का सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे इतना एरिया मिला। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर लाइन का इक्वेशन दिया है। जब भी यहां पे वर्टाइसिस दिए थे तो हमने वर्टाइसिस पर से लाइन का इक्वेशन ड्रॉ किया, लाइन का इक्वेशन निकाला था एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला का यूज करके। लेकिन आपको यहां पे लाइन का इक्वेशन नहीं फाइंड करना है, लाइन का इक्वेशन तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, आपको वर्टाइसिस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है बच्चे लोग? वर्टाइसिस। कर लेते हैं वर्टाइसिस यानी इंटरसेक्शन पॉइंट। फर्स्ट वी कैन फाइंड L1 एंड L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट। L1 और L2 पर से बाय L1 एंड L2 पर से वर्टाइसिस A, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड कर दीजिए, इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए। तो कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वेशन को मैंने L1 और L2 पर से बाय L1 और L2 पर से इन दोनों का मैंने एलिमिनेशन मेथड की या तो कंपेयर की, आपको जो मर्जी लगे वो। तो x इज इक्वल टू 0 होगा और y इज इक्वल टू 1। सिमिलरली बाय इक्वेशन L2 एंड L3 पर से, L2 और L3 तो x इज इक्वल टू 4 है, तो x कोऑर्डिनेट 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 बाय L3 एंड L1 तो x इज इक्वल टू 4, therefore 4 to the 8 प्लस 1 9। क्लियर? तो आपको ये वर्टाइसिस ए बी और सी मिल गया। अब ये वर्टाइसिस को, ये सभी वर्टाइसिस को मैं प्लेन के अंदर यानी कि अपनी ज्योमेट्रिकल जो प्लेन है एक्स और वाई उसके ऊपर मैं डिनोटेट करता हूं। तो ये एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट 01, फर्स्ट पॉइंट 01 यानी कि ए 01 ये पॉइंट होगा। 413 सोचना, 413 या 413 बहुत बहुत ही बड़ा होगा, लेकिन हम यहां पे सपोज कर लेते कि यहां पे बी पॉइंट है 413, एक्स एक्सिस पे 4 ऑन एन एक्स एक्सिस 4 एंड वाई एक्सिस पे 13, सी इज 49 थोड़ा सा नीचे, ये सी पॉइंट 49, ओके सी पॉइंट 49। अब इससे बनने वाला ट्रायंगल, इससे बनने वाला ट्रायंगल, क्लियर? तो क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट बीसी, लाइन सेगमेंट एबी एंड लाइन सेगमेंट एसी। तो ये छोटा सा एक ट्रायंगल दिखाई देता है आपको, इससे ये छोटा नहीं है, वैसे ये तो बहुत बड़ा है, बराबर? आपको ग्राफ पेपर के अंदर ड्रॉ करूं तभी मालूम पड़ जाएगी कितना बड़ा हो सकता है ये। तो आपको ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है। आपके पास लाइन एबी का तो इक्वेशन है, लाइन एसी का भी इक्वेशन है, एबी का इक्वेशन है ना, ये कौन सा होगा लाइन एबी का इक्वेशन सोचो, ये लाइन एबी का इक्वेशन कौन सा होगा सोचो, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो L1 और L2 और L2 एंड L3 यानी कि ये लाइन L2 का इक्वेशन है, ये AB क्या है, लाइन L2 का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1,
y इज इक्वल टू 3x+1। और AC है ना, वो लाइन L1 का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2x+1। देखो इस तरह से थोड़ा जूम कर दिया, जूम कर दिया, तो ये ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी, ये जो लाइन है, ये लाइन एबी, ये कौन सी लाइन है, लाइन L2 है, y इज इक्वल टू 3x+1। क्यों यही लाइन है, क्योंकि ए पॉइंट 0, 1 और ये बी पॉइंट कौन सा है 4, 13, ये दोनों पॉइंट कौन सी लाइन का सेटिस्फेक्शन करता है, तो लाइन L2 का, क्योंकि ए पॉइंट किसके पर से निकाला था, L1 और L2 पर से, बी पॉइंट L2 एंड L3 पर से, तो दोनों में कॉमन लाइन कौन सी हुई, L2 है, तो ये इक्वेशन L2 ये दोनों का सेटिस्फेक्शन करता है, सेटिस्फाई करता है। इसी तरह ये लाइन AC, ये लाइन AC वो L1 का होगा, क्योंकि A पॉइंट 0, 1 और ये पॉइंट 4, 9, तो C पॉइंट 4, 9 L3 एंड L1 पर से है, और A पॉइंट L1 एंड L2 पर से, यानी कि L1 लाइन दोनों का सेटिस्फेक्शन करेगा, तो ये आपके लिए होगा y इज इक्वल टू 2x+1। आपको इतना एरिया फाइंड करना है, ये ट्राइंगल ABC, ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो क्या लॉजिक लगाएंगे आप, क्या लॉजिक लगाएंगे, तो ए पॉइंट में से एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये बी पॉइंट में से बी एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये जो अपनी लाइन है, ये जो लाइन वो x इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे 4, यानी 0 से 4 का इंटीग्रेशन लाइन AB का, लाइन AB का करेंगे तो आपको ये इतना पूरा एरिया मिलेगा, आपको ये पूरा एरिया, AB का इंटीग्रेशन करेंगे, लाइन AB का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा एरिया मिलेगा। उसमें से लाइन AC का इंटीग्रेशन करना, लाइन AC का इंटीग्रेशन x अक्ष पे बराबर, तो वो आपको इतना एरिया मिलेगा AC से, बाद में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये ट्रायंगल ABC मिलेगा आपको। मालूम पड़ा आपको, पहले लाइन AB का इंटीग्रेशन x अक्ष के रिस्पेक्ट में, इस तरह से ये 4 और ये 0, यानी 0 से 4 का इंटीग्रेशन AB का, उसके बाद लाइन AC का इंटीग्रेशन और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, आपको ये ट्रायंगल ABC मिलेगा। क्लियर, मालूम पड़ गया बच्चे लोग, बस यही मालूम तो पढ़ना चाहिए, यही तो मोस्ट टाइम पी चीज है, बाकी तो सब इजी है, इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, और यहाँ पे कौन सा बड़ा इंटीग्रेशन आता है, छोटा छोटा तो इंटीग्रेशन है। चलो लाइन AB, लाइन AB दैट इज L2 लाइन, y इज इक्वल टू 3x+1, उसका इंटीग्रेशन 0 to 4 y dx, 0 to 4 3x+1 dx, अब इसका इंटीग्रेशन 3x2/2, 1 का इंटीग्रेशन x 0 to 4, 4 पुट करता हूं, 4 का स्क्वायर 16 upon 2 8 8 3 24 + 4 - लोअर लिमिट पुट करूंगा तो 0 होगा, यानी कि 28, यानी लाइन AB से मिलने वाला एरिया, लाइन AB से मिलने वाला एरिया 28। अब लाइन AC, लाइन AC दैट इज L1, y इज इक्वल टू 2x+1,
अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं, तो I2 इज इक्वल टू 0 टू 4 y dx, तो 0 टू 4 2x प्लस 1 dx, 2x यानी कि x स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन x, 0 टू 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 दैट इज 20, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0-0 ही होगी। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू मोड ऑफ आई वन माइनस मोड ऑफ आई टू, आई वन में से आई टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई वन दैट इज 28 और ये 20, 28 माइनस 20 इज इक्वल टू, क्लियर। बहुत ही छोटा सा ये क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिक इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे लोग, लॉजिक लॉजिक सोचना पड़े, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना ये चैप्टर में रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा बच्चे लोग, आपका लॉजिक पावर कंप्लीट होना चाहिए, ओके। चलो अब हम एमसीक्यू की बात करते हैं, एक्सरसाइज 8.2 के अंदर दो एमसीक्यू दिए हैं, एमसीक्यू नंबर 6 एंड एमसीक्यू नंबर 7। पहले एमसीक्यू नंबर 6 की बात करते हैं, एमसीक्यू 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6। स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इज कितना होगा। तो स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल, सर्कल इक्वेशन गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड लाइन इक्वेशन, एंड लाइन का इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब आपको लाइन और सर्कल इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। बच्चे लोग मेहनत करो, मेहनत करेंगे तभी तो एरिया फाइंड कर पाएंगे, आप मेहनत ही नहीं करते, सोचो सोचो। चलो बच्चे लोग अब मैं इन दोनों में y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूं तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर लेकिन मैं क्या करता हूं, ये एमसीक्यू ही है तो एमसीक्यू की तरह नहीं सोचू, क्या बोलता है रहा? तो फर्स्ट वी ड्रॉ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दैट इज उसका सेंटर 0-0 होगा और रेडियस 2 यूनिट, यानी कि इस टाइप का सर्कल, ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी कि ये सेंटर, ये सेंटर 0-0, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये इसकी रेडियस 2 यूनिट यानी कि ये 2-0, ये भी इसकी रेडियस होगी यानी कि ये 0-2, क्लियर। यानी कि आपको इस तरह का सर्कल, अब लाइन कौन सी लाइन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए जब आप छोटे थे तब ऐसी बातें करते थे, x एंड y, x की जगह पे 0 पुट कर दो तो y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, तो 0-2 पॉइंट,
यानी यहाँ पे होगा 0.20 यहाँ पे होगा, ये लाइन हो गई आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यानी लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये लाइन मुझे यहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ये लाइन हो गई, क्योंकि 0.20 ये रहा और ये 0.20 रहा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इससे बनने वाला स्मॉलेस्ट एरिया, इससे बनने वाला स्मॉलेस्ट एरिया तो कौन सा होगा स्मॉलेस्ट एरिया, तो ये होगा, ये स्मॉलेस्ट एरिया। तो आपको इतना एरिया फाइंड करना है, इतना सा एरिया फाइंड करना है। तो इतना एरिया फाइंड करने के लिए आपको सर्कल का यानी 0 से 2 का इंटीग्रेशन, 0 से 2 का इंटीग्रेशन सर्कल का यानी √4 − x² उसमें से ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को मैं कुछ दे देता हूँ, ये ए कोऑर्डिनेट, ये बी यानी ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो रिक्वायर्ड जो एरिया है वो मिलेगा। क्लियर? अब मैं तो एमसीक्यू की बात कर रहा हूं, तो मैं एमसीक्यू की तरह ये सोच सकता हूं, एमसीक्यू की तरह कैसे, तो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालने की फॉर्मूला है कि नहीं है, पाई आर स्क्वायर। तो पूरा सर्कल की एरिया, एरिया निकालने की फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, इसका ये फोर्थ पार्ट हुआ, कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, तो ये फोर्थ पार्ट यानी कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 4π। अब मैं फाइंड करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो इज इक्वल टू 1/2 ओ ए इंटू ओ बी, तो इज इक्वल टू 1/2 2 × 2 दैट इज 2। क्लियर? अब आपको तो जितना एरिया निकालना है, अपने को जो निकालना है रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया, स्पेलिंग देख लेना बच्चे लोग, रिक्वायर्ड एरिया, तो पूरे ये सर्कल का फोर्थ पार्ट यानी 4π/4 − 2 दैट इज π − 2। यानी कि आपको ये जो स्मॉलेस्ट एरिया निकालना है वो स्मॉलेस्ट एरिया कितना होगा, π − 2। क्लियर? ये छोटा सा एमसीक्यू था, MCQ number 6 यानी question number 6। ओके स्टूडेंट, चलो अभी एक और एमसीक्यू बाकी है, MCQ number 7 उसकी बात करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 खत्म होगी। चलो अब मैं MCQ number 7 इस तरह से बच्चे लो, एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व y² is equal to 4x and second y is equal to 2x, ये दो कर्व से बनने वाला एरिया आपको फाइंड करना है। कर लेते हैं बच्चे लोग, करें कि नहीं करें? ओके,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। दिस इज द रिजल्ट नंबर वन, दिस इज द रिजल्ट नंबर टू, क्लियर। अब बाय वन एंड टू, बाय वन एंड टू, ये y इज इक्वल टू टू एक्स और ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू टू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो ये टू एक्स इज इक्वल टू y हो गया, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई, टू एक्स की जगह पे y। अब मैं y स्क्वायर माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर y कॉमन, y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर y इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू टू। अब y इज इक्वल टू जीरो को मैं इक्वेशन नंबर टू के अंदर पुट कर लेता हूं, बाय इक्वेशन नंबर टू x इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली y इज इक्वल टू टू को मैं इक्वेशन नंबर टू के अंदर पुट करता हूं, तो y इज इक्वल टू टू पुट करूंगा तो टू इज इक्वल टू टू एक्स, टू एक्स इज इक्वल टू टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू वन, क्लियर। यानी कि आपको ये दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट इज जीरो जीरो एंड वन टू, क्लियर। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से आए, y इज इक्वल टू एस, ओके राइट है, क्लियर। चलो अब मैं दोनों कर्व का डायग्राम ड्रॉ करता हूं, बहुत इजी है बच्चे लोग। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, इट इज अ पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, इट इज अ पैराबोला। यानी ये पैराबोला इस तरह से होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, x एक्सिस y एक्सिस, ये हुआ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स, क्लियर। नहीं गलत, गलत गलत ड्रॉ कर दिया बच्चे लोग, सॉरी स्टूडेंट, गलती हो गई, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स है, इस तरह से होगा ये पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स एंड लाइक y इज इक्वल टू टू एक्स, y इज इक्वल टू टू एक्स यानी ओरिजिन में से पास होगी, यानी कि इस तरह से होगी ये लाइन, क्लियर। ए लाइन y इज इक्वल टू टू एक्स और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जीरो जीरो एंड सेकंड पॉइंट ए ऑफ वन टू। अब आपको एरिया फाइंड करना है, क्लियर। इतना इतना एरिया आपको निकालना है बच्चे लोग, तो क्या करेंगे, तो आप ए पॉइंट में से एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो ये वन यानी जीरो से वन का इंटीग्रेशन किसका होगा, पैराबोला का, पैराबोला का जीरो से वन का इंटीग्रेशन, यानी इतना एरिया पूरा मिलेगा आपको। इसमें से ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसको बी कह देता हूं, ये एक्स अक्ष ए बी ओ, ये ओ ए बी ओ का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो
y square is equal to 4x, therefore y is equal to 2 root x, I is equal to integration 0 to 1 y dx, 2 बाहर निकल जाएगा, 0 to 1 root x dx, root x यानी x raised to 1 by 2, x raised to 1 by 2 plus 1 यानी 3 by 2 upon 3 by 2, 0 to 1, अब ये 2 पर चला जाएगा, तो 4 by 3, 1 minus 0, that is 4 by 3. यानी कि ये पैराबोला से इतना जो एरिया मिला वो 4 by 3. अब ट्रायंगल ABO, अब ट्रायंगल ABO, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO इज इक्वल टू 1 by 2 OB into AB. तो 1 by 2 OB, OB is equal to 1, AB is equal to 2, so 2 to cut 1, therefore आपको जो area निकालना है, required area is equal to, तो इसका 4 by 3, उसमें से 1 को subtract कर दो, तो 1 by 3, clear? ये था हमारा MCQ नंबर 7, यानी कि एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई, क्लियर? एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कंप्लीट हो गई। मैंने आप लोगों को एग्जांपल होमवर्क में दिए थे 1 से 5 तक के, आपने सॉल्व किया होता ऐसा मैं सपोज कर लेता हूं। अब एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8 भी बहुत मजेदार एक्सरसाइज है स्टूडेंट, ओके? चलो तो अब एक्सरसाइज नंबर 8 स्टार्ट करते हैं।